देखो भैया, कोविड वायरस ने ना सबका जीना हराम कर रखा था, ठीक है, हम तो परेशान हो गए थे, लेकिन एक वायरस ऐसा आया जिसने सभी का दिल जीत लिया, जो है टी वायरस। अब टी वायरस क्या है ये हमारे साथ मिताली नागी बताएंगी, जिन्होंने किरदार निभाया है तेजस्विनी का। तो स्वागत करते हैं सासू और बेटियां में, कैसी हैं आप? हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए आप कैसी हैं? देखिए हम भी एकदम बढ़िया हैं, लेकिन एक बात बताइए, तेजस्वी किरदार एकदम डिफरेंट रहा आपका गुम से, क्या कहेंगी, कितना कॉम्प्लीमेंट मिला आपको? अरे मतलब मैं तो हर दिन मेरे सोशल मीडिया पे तो हर दिन फैंस जो हैं वो मुझे मतलब फॉर अ चेंज, देखिए नेगेटिव कैरेक्टर्स जब होते हैं तो उनको तो सिर्फ गालियाँ ही गालियाँ मिलती हैं, पर मेरे सोशल मीडिया का इनबॉक्स जो है वो भरा रहता था अच्छी अच्छी बातों से, अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट से। तो मुझे इतनी खुशी होती थी ना कि लोगों ने मेरा वो कैरेक्टर जो मैं गंदी चीज़ें कर रही थी उस रोल में वो नहीं देखा, और ये देखा कि मैं कैसी दिख रही हूँ और मैं कैसी एक्टिंग कर रही हूँ। मेरे लिए ये तो बहुत ही बड़ी बात है, और मैं इसके लिए सब लोगों को, जितने मेरे फैंस हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, सबको बहुत बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ। देखिए ग्लैमरस लोगों को कौन नहीं देखना पसंद करेगा, इतनी हॉट एंड ग्लैमरस लग रही थी टी वायरस बनकर। अच्छा वैसे एक बात बताइए, सीजन 2 तो गया है, सीजन 2 में जेल में चली गई, सीजन 3 में निकल कर आओगी जेल से? अब देखो यार, ये अभी से मैं क्या बताऊँ, अगर आप लोग को ऐसे चाहिए कि मैं सीजन 3 में निकल के आऊँ तो आप लोग देखो आशिकाना। मुझे लगता है कि तेजस्विनी या जो कैरेक्टर है टी वायरस, उसको कुछ करने के लिए जेल से बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है वो तो अंदर से भी कुछ भी करवा सकती है। ये है हमारा एंटरटेनमेंट का पिटारा, आपको मिला है मौका चिट निकालने का, तो देखिए कहाँ है आपकी चिट। ओके शिवल्ली, हाँ तो चलिए बढ़िया, अच्छा सा डांस हो जाए शिवल्ली गाने पर। ₹2022 जा रहा है, लेकिन ₹2022 जाने से पहले आपको बहुत कुछ देकर जा रहा है, तो क्या क्या यादें हैं जो आप यहाँ बताना चाहेंगी? यार शुरुआत एक्चुअली 2022 बहुत ही एक्साइटिंग ईयर रहा है, मतलब वर्क फ्रंट भी और पर्सनल लाइफ में भी, मुझे लगता है कि देर इज़ नथिंग टू कंप्लेन, कुछ ऐसी चीज़ नहीं जो मैं, अरे यार काश ये हो पाता या काश ही नहीं होता, नहीं सब कुछ हो रहा है, और जितना मैं मांग रही हूँ भगवान जी मुझे उससे ज़्यादा ही दे रहे हैं। अभी देखो मुझे पता ही नहीं था कि आज यहाँ आके मैं मीनू मौसी से मिलूँगी, ये भी हो गया। वैसे एक बात बताइए, 2023 आ रहा है तो क्या सरप्राइज, क्योंकि आपने अपने एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं कैरेक्टर के साथ, एक्टिंग के साथ, तो नया कुछ? यार देखो जो मैंने तेजस्विनी का जो कैरेक्टर था ना वो बहुत ही गॉड सेंट था, क्योंकि उसके पहले मैं देवी का कैरेक्टर करी थी, जो आप सब लोगों ने उस पर भी इतना प्यार दिया मुझे, तो वो कैसे एकदम बच्चों जैसी, थोड़ा मेंटली उतनी मच्योर नहीं होती है, उसका कुछ ट्रॉमा होता है तो वो बहुत चाइल्ड लाइक होती है, और सडनली उसके बाद तेजस्विनी जो कि इतनी बोल्ड और सेक्सी और यू नो थोड़ी सी मैनिपुलेटिव वैसी लड़की थी, अब इसके बाद आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मे बी कॉमेडी लाइक यू नो रोम कॉम या वैसे कुछ, ऐसी मेरी विश लिस्ट है, अब देखो क्या होता है। देखिए मैनिफेस्ट करना शुरू कर दीजिए, हमने सुना है मैनिफेस्ट करने के बाद सब सही हो जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम मैनिफेस्ट करेंगे। बिल्कुल देखिए ये हमारी एक्टिंग उतार रही है। हम भी आ रही ठीक बोले बिल्कुल। अपने अंदाज में क्या कहना चाहिए, हमें क्या सिखाना चाहेंगे? कुछ नहीं यार, बस आई थिंक पॉजिटिविटी फैलाइए और पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर लीजिए, पॉजिटिव चीज़ें ही बाहर दीजिए।